आबकारी आयोग की नाराजगी पड़ रही भारी। एक दिन में 7 कर्मचारी निलंबित हो गए हैं, 2 को दिया गया है कारण बताओ नोटिस और 1 एपीओ किया गया है। चाकसू मामले में आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह मीना एपीओ हुए हैं। जयपुर ग्रामीण के वृत्त चाकसू में पदस्थापित है कीर्ति मीना। चाकसू में अगस्त में पकड़ी गई थी नकली शराब की फैक्ट्री। पुलिस ने की थी नकली शराब फैक्ट्री पकड़ने की कार्रवाई और पिछले कुछ दिनों से जांच को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे थे। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते ने एक्शन लिया है। उधर अलवर डीईओ अर्चना जैमन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षक नीरज शर्मा को चार्जशीट नहीं नोटिस दिया गया है। और देखिए इसी के साथ एक दिन में 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जी, जिस तरीके से राजस्व की लगातार वसूली में पिछड़ रहे आबकारी विभाग ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले तो आबकारी विभाग राजस्व वसूली में अव्वल रहता था, लेकिन पिछले 6 महीनों की जो परफॉर्मेंस सामने आई है उसमें सबसे पीछे यानी नीचे के पायदान पर अलवर चल रहा है। और अलवर की नाराजगी पिछले 6 महीने से अधिकारी आला अधिकारी झेल रहे थे। लगातार शिकायतों के बावजूद आज आयुक्त ने 7 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 1 डीईओ और सीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बड़ी बात यह है इसमें कि कोटा बीकानेर जोन के अलावा चूरू झुंझुनू का भी नंबर संभव है। 10 दिन में, अगले एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर 8 से 10 कर्मचारियों पर गाज की जा सकती है, क्योंकि नकाते ने 15 दिन पहले ज्वाइन किया तब से वो राजस्व वसूली के आंकड़ों को देख रहे हैं और लगातार गिरावट आती जा रही है। इसमें बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में तय समय के बाद भी पूरी रात शराब की दुकानें खुली हैं, उसके बावजूद राजस्व का अर्जन नहीं हो पा रहा है, लगातार पिछड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो तय समय के बाद पूरी रात शराब की बिक्री हो रही है, कहीं वो हरियाणा की अवैध शराब तो नहीं बेची जा रही, इसको लेकर भी नकाते लगातार कहते रहे कि राजस्थान में अवैध शराब का कारोबार बंद होना चाहिए। लेकिन लगता है कि उनकी जो बात है, उनकी जो शक्ति है, उनके जो निर्देश है, उसकी पालना फील्ड में नहीं हो पा रही है। इसी के चलते नकाते ने बड़ा एक्शन लिया है, 7 कर्मचारियों को एक साथ निलंबित किया है, 2 को कारण बताओ नोटिस जारी करे हैं, लेकिन 5 से 7 जिलों पर गाज गिरना भी तय है। हमने नकाते से बात भी करी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की परफॉर्मेंस, अगर पुअर परफॉर्मेंस लगातार जारी रहेगी तो अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी आने वाले दिनों में गाज गिरेगी। देखने वाली बात यह रहेगी, देखिए कि जिस तरीके से राजस्व अर्जन में नंबर 1 रहने वाले आबकारी विभाग की स्थिति ऐसी हो रही है, तो अगले 10 दिन में और कई कर्मचारी अधिकारियों पर गाज गिरेगी। क्या उसके बाद ही कर्मचारी अपनी ड्यूटी समझेंगे और मौके पर राजस्व अर्जन के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करेंगे? बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह से विनोद जी जानकारी भी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कई नाम सामने आ सकते हैं जिन पर इसी तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि एक ही दिन में जिस तरह से 7 कर्मचारी निलंबित हुए हैं और 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि 1 को एपीओ कर दिया गया है। चाकसू मामले में आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह मीना को एपीओ किया गया है।